नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक फिल्म शूटिंग के दौरान भोजपुरी सिने अभिनेता पवन सिंह ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई सारे खुलासे किए। अपने इस खुलासे के दौरान पवन सिंह ने अपनी जिंदगी या फिर उनकी पसंदीदा फिल्म, आगे आने वाली कुछ दिनों में वो क्या कुछ करने वाले हैं, इन तमाम सवालों के जवाब दिए। इसके साथ ही जब उनसे मीडिया ने भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह के बारे में कुछ पूछा तो वो साफ उससे मुकरते नजर आए। लेकिन पवन सिंह ने ये जरूर कहा कि आगे आने वाले दिनों में होली पर वो बॉलीवुड सॉन्ग इस बार लेकर के आने वाले हैं। साथ ही बॉलीवुड में जाने के बाद को लेकर के कहा कि वो जाना तो चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि वो किसके साथ काम करेंगे, कौन से अभिनेता के साथ वो काम करना चाहेंगे और बॉलीवुड की कौन सी अभिनेत्रियां उन्हें काफी पसंद है। खुद आप सुनिए कि पवन सिंह ने क्या कुछ कहा अपनी इस पूरे बातचीत के दौरान। आप सबके धन्यवाद जो आप सब हमारे सेट पे आए, आपके जरिए हम के हमार जनता जनार्दन देख रहा पाए, सबके प्रणाम बा। और जहाँ तक कितनी फिल्में आने की बात आपने पूछा तो बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे ये फिल्म हम लोग शूट कर रहे हैं मेरा भारत महान। इसके पहले हम लोग अक्टूबर से दिसंबर तक लंदन में रहे, वहाँ 3 फिल्मों की शूटिंग किए और भी पहले शूट हुई फिल्म है, आगे भी बहुत सारी फिल्में हैं, तो आप सबका कृपा है। आपकी अगली फिल्म में क्या अलग कुछ है, कुछ अलग लेके आ रहे हैं आने वाली फिल्मों में? जैसे इस फिल्म के बाद हम लोगों का अगला शेड्यूल है, जिस फिल्म का नाम है स्वाभिमान। स्वाभिमान फिल्म का शूट हम लोग करेंगे प्रतापगढ़ में। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं चंद्रभूषण मणि जी और हमारे प्रोड्यूसर हैं NRI राम शर्मा जी। तो उसमें हम लोग थोड़ा सा ये दिखाएंगे कि हम हैं हीरो, सिंगर हैं, एक्टर हैं, मतलब यंग हैं, लेकिन उस फिल्म में हम लोग दर्शाएंगे कि हमारा सोच जो हमारे बाबा का था, दादाजी का था, जैसे गांव में कुश्ती होता था, तो उन सब चीज़ों को हम स्वाभिमान फिल्म में, दो परिवार की लड़ाई है, दो जमींदारों की टक्कर है और उसमें हीरो हीरोइन का अपना एक काम है, जो उम्मीद है कि सबको अच्छा लगे, सबके अच्छा लगे। आप पिछले कुछ समय से बॉलीवुड के संगीतकार जैसे मीत ब्रदर्स, सलीम सुलेमान के तस्वीर, क्या बॉलीवुड में भी जाने का है? जैसे पिछले साल होली में हमार गाना आयल रहे, जोने गाना की बोल रहे कमरिया हिला रही है, इस बार हमारी बैठक मुंबई में हुई थी सलीम भाई के साथ। बहुत अच्छे इंसान हैं, उनका प्लान है कि पवन भाई हम लोग एक होली करते हैं तो शूटिंग से फुर्सत तो यहाँ है नहीं, लेकिन बीच में हम टाइम निकाल के मुंबई जाएंगे और ये हमारे लिए भाग्य है कि सलीम भाई के साथ हमको सॉन्ग करने का मौका मिल रहा है। तो हम लोग इस बार बॉलीवुड सॉन्ग हम उनके साथ लाएंगे होली का। सलीम भाई के साथ काम करके कैसा लग रहा है आपको? अभी हम लोग सिर्फ फर्स्ट मीटिंग में बैठे हैं, अभी हम लोग म्यूजिक सीटिंग पे नहीं बैठ पाए हैं, तो आजकल में उसका डिस्कस होगा और इसके बाद बैठेंगे, फिर मुंबई जाके गाऊंगा और उसका शूट किया जाएगा। भोजीवुड और बॉलीवुड में क्या अलग है? देखिए, कलाकार के लिए लैंग्वेज मायने नहीं रखता है। जैसे भोजपुरी हमारी माई है, भोजपुरी से बड़ा मेरे लिए जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज मैं कहीं भी बैठूंगा इंडिया के बाहर या किसी भी देश में आदमी जाएगा तो कारण और वजह तो हमारी भोजपुरी ही है ना। मैं डायरेक्ट बॉलीवुड में काम नहीं कर रहा हूँ या किया, मैं कहीं भी काम करूँ तो मतलब मेरी पहचान जो है वो भोजपुरी से है और हमेशा रही। अगर आपको बॉलीवुड में मौका मिलता है तो आप किस हीरोइन के साथ काम करना पसंद करेंगे? बड़ा टेढ़ा सवाल आपने पूछ लिया। सब कोई अच्छा कलाकार हुआ, जेकर जैसे बॉलीवुड में बहुत सारे बिजी स्टार हैं, तो जेकर जैसे डेट अवेलेबल हुई
सबके साथ काम किया जाएगा, कोई जाएगा, कोई एक एक ये नहीं है कि मुझे उन्हीं के साथ काम करना है। आपकी फेवरेट भोजपुरी मूवी और फेवरेट एक्टर कौन से? हमार फेवरेट भोजपुरी फिल्म जैसे शुरुआती दौर में हम फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री किए थे तो हमको लोग लेता था हीरो लॉलीपॉप हीरो मतलब पवन सिंह बिना मूछ का चिकना चकना पवन सिंह पे गाना ज़्यादा डालो मतलब फनी मूड में। लेकिन हमको रोमांटिक से एक्शन हीरो बनाने के लिए मैं एक आदमी का हमेशा से नाम लिया हूँ और हमेशा लूँगा कि मुझे एक्शन हीरो बनाने में सबसे बड़ा हाथ जिस डायरेक्टर का नाम है रवि भूषण जो हमको लेके मतलब पहली बार फिल्म बनाया उसकी फिल्म की शूटिंग हुई थी गोरखपुर में उस फिल्म का नाम है गुंडई राज। और जहाँ तक फेवरेट एक्टर की बात है तो भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारे फेवरेट एक्टर हमारे बड़े भैया गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी। भोजीवुड में आपका सबसे बड़ा कंपटीटर कौन? भोजपुरी में देखिए क्या है ना, कलाकार कलाकार होता है, कलाकार को अपना काम करना है, सबको ही आगे बढ़े, सबको भगवान स्टार बनाए रखें, बहुत बड़ा स्टार बने। बाकी हमारा भोजपुरी में किसी से ये नहीं है कि हमारे कंपटीटर ये हैं, मुझे उनसे कंपटीशन है, मुझे किसी से कंपटीशन नहीं है। आपको पहला ब्रेक इस लाइन में कब मिला था? मैं आज से 14 साल पहले हम एक कंपनी में गाते थे जो आज के डेट में भोजपुरी की नंबर वन कंपनी है जिस म्यूजिक चैनल का नाम है वे। भोजपुरी में आज के डेट में बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है वो भोजपुरी के लिए, तो उसके ऑनर थे हमारे गौतम जी जो आज के समय में इस दुनिया में नहीं है सॉरी। बट मैंने एल्बम करते करते मैंने शौक से ही बोला कि भैया एक फिल्म बनाया जाए, मैंने बोला कि फिल्म बनाया जाए तो भाई बोले कि हाँ हाँ बिल्कुल बनाया जाए। तो मुझे वेब कंपनी के ओनर जो गौतम जी थे वही मुझे लेके फिल्म बनाए थे जिस फिल्म का नाम था रंगली चुनरिया तोरे नाम, उसका भी शूट हमने यूपी में ही किया था, कहाँ बनारस चंदौली के बीच में शायद हम लोग किए थे। आपके परिवार में और भी लोग होंगे, कहाँ कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वो भी इस लाइन में है? और फैमिली अभी मेरी माँ मुंबई में है, हमारे चाचा जो अभी गांव में है बीच में अभी यहाँ आए थे परसों गए यहाँ से, तो मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने चाचा के आशीर्वाद से हूँ। हमारे चाचा ही हमारे रियल गुरु हैं जिनका नाम है श्री अजीत सिंह जी, और हमसे पहले हमारे ख़ानदान में वही गाते थे। मैं जब 7 साल का था तो ही मैं एक शो किया तो मुझे चाचा बोले कि मैं उसी दिन सोच लिया कि मेरा भतीजा गाएगा, तो मुझे वही शिक्षा दिए हैं। और जब मैं गाने लगा तो चाचा जी अपना बंद कर दिए कि जब बेटा गा रहा है तो मैं क्या गाऊँ। आपका एक सॉन्ग था लॉलीपॉप सॉन्ग जी, और इसको लेके पूरे वर्ल्ड में आप फेमस हुए, लेकिन कुछ आपके गानों में अश्लीलता के भी समय समय पे आरोप लगे, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब आरोप तो मान ली कि लगौला के ऊपर पर, देखिए कोई भी संगीत खराब नहीं होता है, हर चीज़ के देखे के और सुने के नज़रिया होला वो ये है। हाँ मैं मतलब ये एकदम क्लीन चीट नहीं बोलूँगा कि मतलब हमारे लैंग्वेज में मतलब अश्लीलता नहीं है, है बिल्कुल है, लेकिन हर जगह है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भोजपुरी में ही है, लेकिन भोजपुरी पे एक दाग लगा हुआ है कि भोजपुरी में अश्लीलता जिस नज़र से हम देखेंगे, जिस नज़र से हम, जिस कान से हम सुनेंगे वैसे ही संगीत होता है, संगीत कोई बुरा नहीं होता। भोजपुरी गाने हो या भोजपुरी फिल्में, इससे अश्लीलता कैसे दूर करते हैं? देखिए भोजपुरी में अच्छाई के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा मिलूँगा। जैसे आज के समय में जो दौर चल रहा है
फिल्म का क्या टाइटल है, जैसे आप सबके ही कृपा से, जनता के आशीर्वाद से मैंने फिल्म गदर किया, सत्या किया, जय हिंद किया, माँ तुझे सलाम किया, बहुत सारी फिल्में हैं। और ऐसे समय में हमारे डायरेक्टर ये देवेंद्र तिवारी जी हैं और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं विपुल राय जी, उनके पिताजी का नाम क्या है, सत्यजीत राय जी। तो ऐसे समय में, आज के सिचुएशन में फिल्म बन रही है और इस फिल्म का नाम मेरा भारत महान है, तो ये हम सब के लिए खुशी की बात है। बिहार में भोजपुरी फिल्मों करने में क्या दिक्कत आ रही है, जो आप लोग फिल्मों की ज़्यादातर शूटिंग बॉम्बे में करते हैं? देखिए, शुरू से ये है, हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक तो भोजपुरी में कहावत कहल गिल बना कि घर के मुर्गी दाल बराबर, जो कि नहीं होना चाहिए। सम्मान, अगर मान लीजिए हमारे घर में एक लड़का SP बन गया, तो उसके ऑफिस में हम जाके, मतलब मेरा छोटा भाई ही है, लेकिन उसके ऑफिस में जाके हम उसको सम्मान अगर हम ही नहीं देंगे तो लोग कैसे देगा। आज कितनी खुशी की बात है कि हम लोग बिहार से हैं, हमारा भोजपुरी भाषा है। आज हमने के मतलब मेरा शेड्यूल अभी 6-7 महीना लगातार जो है वो UP में ही शूटिंग का है। यहाँ से प्रतापगढ़ के बाद अयोध्या शूट करूँगा, वहाँ के बाद गोरखपुर शूट करूँगा, वहाँ के बाद लखनऊ करूँगा। तो जैसे UP सरकार के सपोर्ट मिल रहा है, जैसे जौनपुर में हम अभी यहाँ फिलहाल शूट कर रहे हैं आप सबके बीच में, हमारी जनता भी है, यहाँ का प्रशासन व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, मतलब इतना बढ़िया कि मन एकदम प्रसन्न है कि हम लोग सुकून के साथ यहाँ काम कर रहे हैं। यूपी सरकार, हमारे महाराज जी का कृपा है हम सब कलाकारों के ऊपर, जो हम लोग मतलब इत्मीनान हो कि मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को कोई टेंशन है कि हुआ आई ये हई का होता ये हो का होता, तो ये सब महाराज जी का कृपा है कि हम लोग यूपी में इतने चैन से शूट कर रहे हैं। आपको और अक्षरा सिंह को लेकर कुछ कई बार आरोप भी लगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लगने दीजिए, लगाने दीजिए, बट मैं बोलूँगा यही, सिर्फ और सिर्फ नो कमेंट्स। पवन सिंह हो और कोई गीत ना हो, कोई गाना ना हो, शायद इंटरव्यू अधूरा रहेगा। तो हम चाहेंगे कि पवन सिंह भी आप कोई अपना पसंदीदा दें। हाँ, जैसे कि आपने जो सवाल पूछा था बिहार सरकार के बारे में, मैं शायद जवाब अच्छे से दे नहीं पाया, लेकिन मैं बिहार सरकार से भी गुजारिश करूँगा कि जैसी फैसिलिटी हमको यूपी में मिल रही है महाराज जी के द्वारा, तो हमारे बिहारी कलाकारों के लिए बिहार में भी मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि हम सब कलाकारों को सम्मान मिले, ताकि हम लोग बिहार में भी यूनिट लेके आए, बॉम्बे से या कहीं से भी यूनिट लेके आए, और बिहार में भी हम लोग सुकून से शूट करें, चैन से काम करें। तो इस तरीके की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप DTV भारत के साथ जुड़े। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, साथ ही साथ अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे सब्सक्राइब करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए घंटी जरूर दबाएं, ताकि आपको पल पल की खबरें मिलती रहेगी। बने रहे DTV भारत के साथ। नमस्कार।